हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विच इज द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन Bustard. I have more than 30 different names in various Indian languages. In Marathi, I am known as Maldhok or Hom. I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulder or even higher. I have got long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head. My wife, Mrs. Bustard, is smaller and slimmer than I am, and her neck is not white, but I have heard humans say that we both look impressive. तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो हमसे कहते हैं कि आप जानते हो कि पूरे इंडिया में सबसे हैवी बर्ड कौन सी है? वो मैं हूँ। वो हमें बताते हैं कि उनके जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है उसके 30 डिफरेंट नाम होते हैं। हमारे इंडिया में अलग अलग, मतलब ऐसा इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से अलग अलग नाम उसे दिए गए। जैसे मराठी में मालदोक और होम भी कहते हैं। वो 18 किलो वेट का होता है और वो 4 फीट हाइट तक, हाइट का मैक्सिमम होता है, मतलब जिस भी ह्यूमन की 4 फीट हाइट होगी वो उसकी हाइट से मैच करेगा। और वो हमें बताता है कि उसकी लॉन्ग वाइट नेक होती है, ब्राउन कलर की उसके विंग्स होते हैं और येलो कलर के टॉल लेग्स होते हैं और उसके सर के ऊपर ब्लैक कलर का कैप होता है। और उसकी जो वाइफ होती है, मतलब फीमेल जो बस्टर्ड होती है, वो स्मॉलर होती है और उसके मुकाबले स्लिम होती है, पतली होती है, और उसका जो नेक होता है वो वाइट नहीं होता है। फिर वो ये कहता है कि लेकिन ह्यूमंस कहते हैं कि हम इम्प्रेसिव लगते हैं। आई लिव ऑन ग्रास लैंड्स एंड डिजर्ट्स अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैक बर्क एंड लार्क्स। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स, लिजार्ड, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट्स। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, बट ग्रास ऑफर एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। फिर हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बताता है कि मैं ग्रास में भी रहता हूँ और मैं डेजर्ट में भी रहता हूँ अपने दूसरे फ्रेंड्स जो कि बर्ड्स हैं, चिंकारा, ब्लैक बक और लार्क्स के साथ। फिर वो हमें बताता है कि मैं स्नेक भी खाता हूँ, लिजार्ड भी खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, बेरी खाता हूँ, इंसेक्ट्स भी खाता हूँ और मैं ग्रास ऑफर और बीटल्स भी खा लेता हूँ। व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us. I perform a wonderful dance by gulping air in this special feathery pouch attached below my neck. This pouch helps me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow. Hoo. I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमें बताता है कि जब बारिश होती है तो ये सारे ग्रासलैंड में जमा होते हैं जहाँ कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और ये अपने फेदर को फैलाकर डांस करते हैं। इनका जो पाउच होता है वो इन्हें साउंड जो इनकी है, होम करके इनका साउंड होता है, वो साउंड इन्हें प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये सब बहुत ही मज़े से डांस करते हैं, अपने फेदर्स को फैलाते हैं, अपने जो इनके जो पार्टनर होते हैं उन्हें इम्प्रेस करते हैं ये इस तरीके से। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। मदर GIB लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन। मॉनिटर, लिजार्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक, but my wife protects the egg from all of them. By the time our young one
hatches out of the egg, rains arrive. There's plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many good habits from the mother. फिर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो हमें बताता है कि जो फीमेल होती हैं बस्टर्ड्स वो एग ले करती हैं और वो एक बार में एक ही एग ले करती हैं और ये लोग नेस्ट नहीं बनाते हैं. ये लोग नेस्ट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं. और जो इनके प्रेडेटर्स हैं मतलब इनके जो दुश्मन हैं जो इनके एग को तोड़ देंगे या खा जाएंगे उन सब से जो फीमेल होती है बस्टर्ड वो बचाती है. इनके दुश्मनों में आते हैं लिजार्ड, फॉक्स, डॉग, पिक, स्नेक्स, ईगल्स. और इनका जो एग होता है वो स्टोन की तरह दिखता है और इनका एग हैच उस समय होता जब होता है तब बारिश का मौसम आ गया होता है. और जो ग्रास है वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो इनकी फैमिली के फूड का काम करते हैं. इनके जो यंग वंस हैं वो बहुत जल्दी उड़कर अपने पेरेंट्स से दूर नहीं चले जाते हैं. वो अपनी मदर के साथ ही रहते हैं और अपनी मदर से ही सारी हैबिट्स सीखते हैं. यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर्स डॉक्टर सलीम अली. ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ National bird of our country, but the honor went to our beautiful relative, the peacock. I am happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan. We have got 10 centuries for our protection, but sadly our number is still going down. We used to live in all parts of India, but slowly the growing population of men pushed us away from more than 90% of our home regions. We are afraid of hunters that kill us for fun. We also die due to electric power line that we can't see while flying. We are losing our homes. Today, only the last 200 of us are left in the world. We need your support and love in order to survive. Can you help us? तो फिर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कहता है कि आपने मेरे जो ह्यूमन फ्रेंड है डॉक्टर सलीम अली उसके बारे में तो सुना होगा. उन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि हमें इंडिया की नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया की नेशनल बर्ड है पिकॉक. फिर वो कहता है कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम नेशनल बर्ड तो नहीं पर स्टेट बर्ड हैं ऑफ राजस्थान. हमें प्रोटेक्ट करने के लिए 10 सेंचुरीज मिली हुई हैं लेकिन फिर भी हमारा प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है. हम सिर्फ 200 ही बचे हैं क्योंकि लोगों की पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है और हमारे रहने की जगह हमसे दूर जाती जा रही है. और फिर वो कहते हैं कि लोग हमें अपने इंजॉयमेंट के लिए भी हंट कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लाइन हमें उड़ते समय नहीं दिखती तो हम उसमें भी चिपक के मर जाते हैं और हम सिर्फ 200 ही बचे हैं. तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें प्यार दीजिए. You can write letters to your leaders and make an appeal to help us. You can make my drawing and submit it to your teacher. You can discuss this with your parents. Come to see us at a sanctuary because now you will not see us in other places. And who knows, if humans don't help us, none of us will be left on the earth. You will only see us in pictures. और फिर वो कहते हैं कि आप अपने लीडर्स को जो आपके मिनिस्टर्स हैं उन सब से अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें सेव करने में हेल्प करें. आप हमारी ड्राइंग बना सकते हैं, अपने टीचर को सबमिट करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि कुछ वो करें हमारे लिए. हम अभी सिर्फ सेंचुरीज में बचे हैं, फॉरेस्ट में तो हम आपको दिखेंगे भी नहीं. और यदि आप सब ने हमारी हेल्प नहीं की तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि हम इस अर्थ में ही नहीं बचेंगे. क्योंकि ये जो है ये जो बर्ड्स है बस्टर्स ये सिर्फ 200 ही बची हैं और ये 200 भी अगर ख़त्म हो गई या इन लोगों ने और बर्ड्स क्रिएट नहीं की तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये लोग हमें दिखने भी बंद हो जाएंगे, ये भी एक्सटेंट हो जाएंगे. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं जो एक्सटेंट हो चुके हैं क्योंकि इनको हंट किया गया है और इतना हंट किया गया है कि इनका धीरे धीरे नंबर डाउन होते गया
और इनकी रहने की जगह भी छीन ली गई है। तो इस कारण से ये लोग धीरे धीरे डिक्रीज होते गए और एक टाइम बाद ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें इंडियन ग्रेट बस्टर्ड को सेव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।